निमित्त होतं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश चिटणीस भरत राजवाणी यांच्या वाढदिवसाचं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव, कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक अध्यक्ष राज असरोडकर आणि शहरातील विविध क्षेत्रातील मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा वाढदिवस साजरा झाला. या वाढदिवसाला किनार लाभली ती एका सामाजिक व संवेदनशील उपक्रमाची. गंगोत्री वेलफेअर असोसिएशनच्या माध्यमातून उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका स्वर्गीय पुष्पा राजवाणी यांच्या स्मरणार्थ स्वर्गीय पुष्पा राजवाणी मेमोरियल एज्युकेशनल फेलोशिप ही योजना यावेळी जाहीर करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत उल्हासनगरमधील रहिवाशी असणाऱ्या अशा कुठल्याही आर्थिक दुर्बल घटकातील कष्टकरी विशेषत्वाने मुलींच्या शिक्षणासाठी ही योजना आहे. या अंतर्गत 60% अधिक गुणांनी 10वी उत्तीर्ण झालेल्या अशा 19 मुलींच्या पुढील शिक्षणासाठी त्यांच्या आर्थिक निकषाच्या आधारे दरवर्षी प्रत्येकी 3000 रुपयांची फेलोशिप जाहीर करण्यात आली आहे. सिंधी समाजातील स्त्रियांमध्ये शिक्षणाबद्दल उदासीनता असतानाच्या काळात 12वीपर्यंत शिक्षण घेऊन स्वतः शिक्षित असलेल्या पुष्पा राजवाणी यांना महिलांच्या उन्नतीचा ध्यास होता. हीच त्यांची उदात्त इच्छा त्यांचे पुत्र भारत राजवाणी यांनी या योजनेच्या माध्यमातून पूर्ण केली असल्याची माहिती गंगोत्री वेलफेअर असोसिएशनच्या अध्यक्ष हरकिरण कौर सोनिया धामी यांनी मीडिया भारत न्यूजशी बोलताना दिली. देखिए ऐसे है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र में हम सावित्रीबाई फुले जिन्होंने हमेशा लड़कियों की शिक्षा को पहल दी, महिलाओं की शिक्षा को पहल दी, हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं. तो आज जैसे गंगोत्री जी का जन्मदिन भी था, उस जन्मदिन के अवसर के ऊपर हमने अपनी गंगोत्री वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से उनके माताजी जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के माजी नगर सेविका भी रह चुकी हैं और उनका एक लड़कियों के प्रति एक ऐसा नजरिया था कि वो चाहती थी कि जो लड़कियां शिक्षा ग्रहण करना चाहती हैं लेकिन वो अपनी किसी ना किसी माली हालत की वजह से वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, उनको जरूर किसी ना किसी जरिए मदद मिलनी चाहिए. तो हमने माताजी के नाम से माता पुष्पा राजवाणी मेमोरियल एजुकेशन फेलोशिप की स्कीम्स लड़कियों के लिए ये शुरू की है जो अगले सेशन में स्टार्ट की जाएगी. उसमें ऐसे है कि हम जैसे 10 लड़कियों को हर साल सिलेक्ट करेंगे, उनका जो एप्लीकेशन लेटर्स आएंगे उनके हिसाब से उनके घर में जाके पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ये लड़कियां वाकई वो लड़कियां हैं जो पढ़ना भी चाहती हैं लेकिन उनके पास आगे पढ़ने की गुंजाइश नहीं है. 10th में उनके कम से कम 60% के ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 60% है. उसके बाद भी उनकी एप्लीकेशन आने के बाद हम उन घर में जाके पूरी वेरिफिकेशन हमारी टीम करेगी कि भाई ये वाकई नीड है इनको, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्कीम का, इस फेलोशिप का जो लाभ है, जो फायदा है, वो रियली नीडी गर्ल्स हैं जो वो ले सकें. ये फर्स्ट ईयर से ऐसे आफ्टर 10th जिन्होंने क्लियर किया है स्टार्ट होगी. आगे आफ्टर 12th अगर वही गर्ल्स वो कंटिन्यू करना चाहती हैं तो वो फेलोशिप आगे बढ़ाई जाएगी 5000 तक. अगर वही फिर ग्रेजुएशन क्लियर करती हैं तो वो 10000 तक होंगी और आगे आगे ये ऐसे हम कंटिन्यू इसको रखने वाले हैं, ताकि हम चाहते हैं कि जो माताजी का ये सपना था कि भाई हर घर में हर लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच थी कि पढ़ाई से जो है वो हमारी मेंटेलिटी चेंज होती है और जब एक लड़की की, एक महिला की जो सोच है वो चेंज होती है तो वो हमेशा अपने एक अच्छे समाज की संकल्पना का विचार अपने मन में ला सकती है. और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी शहरवासियों को आह्वान करना चाहूंगी, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ उल्हासनगर वालों के लिए ही है, कि भी इस स्कीम का, फेलोशिप का आप सब फायदा उठाएं. जो रियली नीडी गर्ल्स हैं जो पढ़ना चाहती हैं वो आके हमारा भाटिया स्थित जो ऑफिस है उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं. इसके साथ ही मैं एक बात भी और भी बताना चाहूंगी कि हम एक और भी सेमिनार्स का जनवरी के फर्स्ट वीक से जो है स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें जो स्वयं रोजगार महिलाएं करना चाहती हैं उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा और जो हाउसवाइफ्स हैं, एक्चुअली वो हाउसवाइफ नहीं है, वो होम मेकर्स हैं.
तो अगर होम मेकर्स आगे आके अपना इंडिपेंडेंट कोई व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनका बिजनेस के मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ एक दो बॉम्बे के एनजीओस ने कॉन्टेक्ट किया है, तो हम जल्दी ही उसका भी पूरा जो है वो भी आपको सोशल मीडिया पे हम जल्दी ही जनवरी में वो भी डिस्प्ले कर देंगे।